ये व्हाट्सअप गाइस, दिस रोहित सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गारबेट प्लेटू जो कि माथेरान रेंज में आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो गारबेट प्लेटू जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भीवपुरी रोड है। अभी मैं भीवपुरी रोड पर हूँ। सो गाइस, अभी भीवपुरी स्टेशन से निकल के आगे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से आगे से राइट लेने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हमें एक लेक मिलने वाला है। उसका अलग अलग नाम भी यहाँ पे लोग उसके धूम लेक भी बोलते हैं, पाली लेक बोलते हैं, भीवपुरी है तो भीवपुरी लेक भी बोलते हैं कुछ लोग। तो गांव वालों से पूछ के हम पाली लेक तक जा सकते हैं। लेक पे पहुँचने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गारबेट प्लेटू के लिए ट्रेक। विलेज क्रॉस करके एक हाईवे आया है। हाईवे क्रॉस करने के बाद एक गेट आता है, श्री तातोबा महाराज प्रवेश द्वार। इस गेट से सीधा जाएंगे तो लेक मिलता है। तो अभी हम लोग विलेज क्रॉस कर दिए हैं। इस साइड से यहाँ पे आएंगे तो एक बोर्ड लगा है, बोर्ड के राइट साइड से एक रास्ता गया है सीधा। लेट्स सी कहाँ जाता है। एंड फाइनली हम लोग लेक के पास पहुँच गए। व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, डन विथ लेक व्यू और हमें गारबेट प्लेटू की ओर जाने वाले हैं। सो लेक के लेफ्ट साइड से रास्ता गया है सीधा, हम लोग जाने वाले हैं उस साइड से गारबेट प्लेटू तक। सो गाइस, हम लोग लगभग आधा लेक क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग वो साइड से आ रहे हैं। ये पूरा लेक है। ये लेक क्रॉस करने के बाद वो साइड से हम लोग अपना ट्रेक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे का ट्रेक है गारबेट प्लेटू का। और यहाँ पे सामने दो वाटरफॉल दिख रहे हैं मुझे, आई थिंक कैमरे में नहीं दिखेगा बट यहाँ से क्लियर दिख रहा है। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे आके लेक ख़त्म हुआ। काफ़ी बड़ा लेक है और मानसून में लेक में उतरना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, इसलिए गांव में आते समय गांव के लोगों ने मना भी किया था लेक में उतरने के लिए। लेक में नहीं उतर के आप वाटरफॉल्स में जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइन से 2-3 वाटरफॉल है। एक यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, आगे भी एक वाटरफॉल है, उसके बाद प्लेटू आता है। सो गाइस, अगर कैमरे में आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बड़े वाटरफॉल है, एक सामने एक वहाँ पे।
बिल्कुल दोस्तों, अभी हम लोग वाटरफॉल के और भी नज़दीक आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा वाटरफॉल है और लेक क्रॉस करने वाले सीधा है, तो यहाँ से सीधा ऊपर जाना है। सुबह जो वाटरफॉल दिख रहा है उसके आगे हमको नहीं जाना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको वाटरफॉल तक का रास्ता दिखता है तो उनको लगता है कि वही रास्ता आगे भी गया गारबेट के लिए, लेकिन वाटरफॉल के आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको वाटरफॉल विजिट करना है तो वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप रिटर्न आ सकते हैं। रिटर्न आके यहाँ पे जो छोटा वाला वाटरफॉल था वहीं से सीधा ऊपर आना है हमको, ऊपर रास्ता गया। सो गाइस, अभी हम लोग आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुके हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ है तो इसको चेक पॉइंट मार्क कर सकते हैं हम लोग। पहला चेक पॉइंट था हमारा लेक। लेक क्रॉस करने के बाद झरना मिलता है, झरने के आगे नहीं जाना है, वहाँ से राइट ऊपर आना है राइट में, तो हमें ये बड़ा सा आम का पेड़ मिलेगा। लेट्स सी इसके आगे चलते फिर क्या मिलता है, देखते हैं। ये सामने जो माउंटेन दिख रहा है एकदम प्लेन क्लिफ, वो गारबेट पॉइंट है, वहाँ पे हमें जाना है और ये रास्ता गया है सीधा, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ना है फिर हम लोग पहुँच जाएंगे गारबेट पॉइंट पे। बीच में एक लास्ट विलेज पड़ता है, ये भी हम लोग ने क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे भी एक बड़ा सा आम का पेड़ मिल गया। यहाँ भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद सीधा चढ़ाई है मेन ट्रिप, यहाँ से सीधा चढ़ना है डायरेक्ट गारबेट प्लेटू आ जाएगा। एंड गाइज, यहाँ पे एक गारबेट प्लेटू आने के लिए दो रूट है, एक तो वाया भीवपुरी रोड स्टेशन जहाँ से मैं आ रहा हूँ और दूसरा माथेरान साइड से है। भीवपुरी रोड से अगर आप आना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेक आपको करने को मिलेगा, अगर आप ट्रेकर हैं ट्रेक करना चाहते हैं तो भीवपुरी स्टेशन से आप आके वाया पाली लेक, पाली लेक का व्यू इन्जॉय कीजिए, फिर वहाँ से सीधा ऊपर आके आपको प्रॉपर ट्रेक करना पड़ेगा गारबेट पॉइंट के लिए। एंड दूसरा रास्ता है माथेरान से, माथेरान से आपको ट्रेक नहीं करना पड़ेगा प्रॉपर, आपको वहाँ से आधे घंटे का एक रास्ता है, फ्लैट ज़मीन पे आपको चलना है, चल के आप आधे घंटे में गारबेट पॉइंट पहुंच जाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या फिर अगर आप ट्रेक भी करना चाहते हैं और वापस माथेरान भी जाना चाहते हैं तो वाया पाली लेक आपको ट्रेक भी करने को मिल जाएगा, गारबेट पॉइंट जाने के बाद आप वहाँ से माथेरान जाके टैक्सी से नीचे आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टैक्सी से माथेरान जाइए, माथेरान से गारबेट पॉइंट, वहाँ से फिर डिसेंड करके आप पाली लेक का व्यू इन्जॉय करते हुए व्यू पॉइंट रोड जा सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है गारबेट प्लेटू पर कैंपिंग करने के लिए, सब कुछ अरेंज करके देते हैं, आपको बस कॉन्टैक्ट करना है इनको, नंबर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सब कुछ अरेंज करके रखेंगे, आपको बस आना है और प्रॉपर नाइट कैंप कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो गाइज, ये लास्ट दुकान है, इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं डायरेक्ट प्लेटू पे। गांव से यहाँ तक आने के लिए रास्ते में हर 10 मिनट में आपको ऐसे दुकान मिलते रहेंगे छोटे छोटे, तो अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी दुकान दिख रहा है मतलब आप सही रास्ते पे हो।
सो गाइस फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। गारबेट प्लेटू काफी बड़ा है, आप देख सकते हो। यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और व्यू पूरे से यहाँ तक आने के लगभग 4 घंटे लगा। हम लोग काफ़ी रेस्ट करके आए, फिर भी 4 घंटे में पहुँच गए हम लोग ऊपर तक। और यहाँ से सामने इरसालगढ़ दिख रहा है, जो 2 क्लिफ दिख रहा है वो इरसालगढ़ है और ये उसके बगल में मोरबी डैम। ओके गाइस, सो लेट्स एंड ऑफ ईयर। आई होप वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो आगे के वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।